केजीएफ के रॉकी भाई जो कभी मात्र 300 रुपए लेकर बेंगलुरु पहुंचे थे, वो रॉकी भाई जो आज केजीएफ फिल्म के बाद भारतीय सिनेमा के सुपरस्टारों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार यश की, जो आज अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर हम आपको बताएंगे यश की जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलू, कैसे यश बने इतने बड़े सुपरस्टार और कैसा रहा उनका ये सफर। आप बस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। पूरे देश में रॉकी भाई के नाम से मशहूर होने वाले सुपरस्टार यश का असल जिंदगी में नाम नवीन कुमार गौड़ा है। कर्नाटक में एक मिडिल क्लास में जन्मे सुपरस्टार यश आज कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टरों में से एक हैं, जो आज एक फिल्म के लिए 30 से 40 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। वहीं यश ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तकरीबन 60 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। सुपरस्टार यश की कुल संपत्ति आज करीबन $7 मिलियन है, यानी कि इंडियन करेंसी में अगर बात की जाए तो लगभग 57 करोड़ रुपए। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम आपको बताते हैं नवीन कुमार गौड़ा यानी सुपरस्टार यश को कितना स्ट्रगल करना पड़ा और आज कितनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं यश, और कौन कौन सी गाड़ियां यश के बाड़े में हैं। केजीएफ के रॉकी भाई यानी सुपरस्टार यश कर्नाटक के एक छोटे से गांव में पले बड़े हैं। यश के पिता कर्नाटक की सरकारी बस सेवा में ड्राइवर के रूप में काम किया करते थे। सुपरस्टार यश के एक्टर बनने के बाद भी उनके पिता कई सालों तक ड्राइवर की नौकरी करते रहे। यश को बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था। यश ने 12वीं क्लास में ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें आगे जाकर फिल्मों में काम करना है, और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए यश ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। हालांकि यश की फैमिली नहीं चाहती थी कि यश एक्टर बने। वहीं यश अपना घर छोड़कर बेंगलुरु आ पहुंचे थे, तब उनके पास मात्र 300 रुपए ही थे। अपनी आंखों में एक्टर बनने का सपना लेकर यश अपने परिवार से दूर चले आए थे। यश को शुरुआत में थिएटर ग्रुप से जुड़ने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। कई दिनों की भागदौड़ के बाद यश को थिएटर में बैकग्राउंड एक्टर की जगह मिल गई। इसके बाद यश आगे बढ़ते चले गए। यश ने फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम किया और साथ ही साथ टीवी सीरियल के लिए भी लगातार ऑडिशन देते रहे। बहुत से टीवी सीरियल करने के बाद यश की पहली फिल्म 2008 में रिलीज हुई, जिसका नाम मोगिन मानसू था। इस फिल्म में यश ने सपोर्टिंग रोल किया था, जिसके लिए यश को अवार्ड भी मिला था। उसके बाद यश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और यश ने एक सुपरस्टार बनकर ही दम लिया। स्ट्रगल और सफलता के बीच में ही यश की मुलाकात उनकी हम सफर राधिका पंडित से हुई। यश और राधिका की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 2004 में एक टीवी शो नंद गोकुला के सेट पर राधिका और यश की मुलाकात हुई और ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वैलेंटाइन डे के दिन यश ने राधिका को कॉल कर उन्हें प्रपोज कर दिया। राधिका ने यश के प्रपोजल का जवाब देने में 6 महीने लगाए और फाइनली हाँ कर दी। यश और राधिका की शादी 9 दिसंबर 2016 को बेंगलुरु में ही हुई। आज यश और राधिका के 2 बच्चे हैं। यश के बेटे का नाम यथार्थ और बेटी का नाम आयरा है। शादी के महज 2 साल बाद ही यश की किस्मत बदल गई और साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म KGF-1 को संपूर्ण देश ने सराहा। सुपरस्टार यश को एक नई पहचान मिली। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। KGF-1 की अपार सफलता के बाद 2022 में आई फिल्म KGF-2 ने यश का क्रेज इस कदर बढ़ा दिया कि सारी दुनिया यश को सलाम रॉकी भाई बोलने लगी। रिपोर्ट्स की माने तो KGF-2 करीब 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। KGF-1 की सफलता के बाद यश ने 2021 में एक नया डुप्लेक्स घर खरीदा था। ये घर बेंगलोर की विंडसर मनोर के पास प्रेस्टीज अपार्टमेंट में है। इस डुप्लेक्स की मौजूदा कीमत करीब 8.5 करोड़ रुपए है। यहाँ पर यश अपनी पत्नी राधिका और अपने दोनों बच्चों के साथ रहते हैं। वहीं बात करें यश की कारों की तो यश के कारों के बारे में एक से बढ़कर एक कार मौजूद है। यश की कार कलेक्शन में रेंज रोवर इवोक शामिल है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इस एसयूवी में एंड टू एंड सनरूफ मौजूद है, जो इसे लॉन्ग ड्राइव के लिए परफेक्ट पीक बनाता है। इसके अलावा यश के बाड़े में 2 मर्सिडीज भी मौजूद हैं, जिनमें पहली 5 सीटर GLC 250D³ है, जिसकी कीमत 78 लाख रुपए के करीब है। वहीं दूसरी मर्सिडीज 7 सीटर बेंज GLS 350D लग्जरी SUV है। ये कार लगभग 85 लाख रुपए के करीब है। इन सबके अलावा सुपरस्टार यश को घड़ियों का भी बहुत शौक है। यश को कई खास मौकों पर स्टाइलिश घड़ी पहने देखा गया है। यश की घड़ियों के कलेक्शन में करीब 17 लाख रुपए की रोलेक्स GMT मास्टर 2 मौजूद है। वहीं दूसरी ब्रिटलिंग सुपर ओशियन हेरिटेज 42 है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए के करीब है। तीसरी घड़ी 18 लाख रुपए की ऑडिमर्स पिगुएट रॉयल ऑक कोनोग्राफ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।